एक किसान का ये है जो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है सरकार से। हम तो ऑलरेडी मांग कर चुके भाई, चार को क्या बात है। तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी में है गवर्नमेंट, माइनॉरिटी। देखिए, मैं तकरीबन पूरे हरियाणा में मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उसके तरफ से साफ नज़र आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है। नहीं, किसान का ये है जो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है सरकार से, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण लोग। इस वास्ते हर वर्ग का, हर 36 बरादरी का रुख कांग्रेस की ओर है। भाई भीतरी घात का तो मैं क्या बता सकता हूँ, उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जहाँ तक फर्जी बात है, ये फर्जी बोगस हो या कोई पोलिंग हो तो ये उस समय पोलिंग एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट होता है, वहाँ एतराज़ होना चाहिए, उसका निवारण होता है। ये मेरे ख्याल में हरियाणा में पहली बार हुआ है जहाँ कोई रिपोल नहीं हुआ पूरे इलेक्शन में, शांति पीरियड से हो ये। और ये हरियाणा के लोगों को मैं हार्दिक मुबारकबाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। नहीं, आमतौर पर चुनाव पर घट जाती है, बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। और ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इसको वहाँ कंप्लेंट करनी चाहिए। सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है, इलेक्शन एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, उन्हें कितनों ने एतराज़ किया, क्या हुआ, क्या उसका निवारण इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन को करना ऐसा है। ये भाषा जो है बौखलाई हुई भाषा है, मतलब ये साफ कहता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। जो ये तो खुद स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव, वहाँ कितने पोलिंग एजेंटों को एतराज़ किया उन्होंने, कहाँ किया, किसके यहाँ किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया, रिटर्निंग अफसर हैं, उनके कानून है, कायदा है। नारा तो बहुत आसान है लगाना, यहाँ भी हरियाणा में तो 75 पार लगाया था नारा, क्या हुआ, आधी आधी आई। कह चुका हूँ 400 पार नारा, वो तो सबका प्रेरोगेटिव है, अपनी अपनी पार्टी के उसकी वो है, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि साउथ में तो साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। नहीं, कोई भी हो, केंद्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो कोई भी सरकार या ना सरकार आत्मत में है, इसका कोई नैतिकता के आधार पे कोई सरकार में रहने का कोई नहीं है आधार है। मॉरल ग्राउंड पे इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या गवर्नर साहब को डिसॉल्व करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। कराने चाहिए, जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है तो हमने तो मांग की है चुनाव कराओ। तैयार, कांग्रेस तैयार है? हम तैयार हैं, हम तो ऑलरेडी मांग कर चुके भाई, चार को क्या बात है। तो ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनकी माइनॉरिटी में है गवर्नमेंट, गवर्नर शुड डिसॉल्व द हाउस, डिसॉल्व कर देना। सारे उस पर रुकावट थोड़ा पड़ा है, तुम पूछे जाओ। दिल्ली में तो पानी की किल्लत है, रोहतक में, हरियाणा में सारा पानी है, रोहतक में कोई किल्लत नहीं, हरियाणा में कोई किल्लत नहीं, पानी की किल्लत है। क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है, अपने पानी का हिस्सा ही नहीं ले सकती। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में सदैव जो इरीगेशन का मेंबर हरियाणा का होता था, चेयरमैन हिमाचल से बाहर का होता था, सब नॉर्म तोड़ दी थी। हमारे समय पूरा हिस्सा मिलता था, अभी पूरा हिस्सा ही नहीं अपने वहाँ जा सकते। ये प्रधानमंत्री दिलवाना चाहिए भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और हरियाणा में भी, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, फिर ये भी नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते। अराजकता फैली हुई है प्रदेश में, कानून नाम की चीज़ तो है, कानून व्यवस्था सब चरमरा गई है, अपराध बहुत बढ़ रहा है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब भी तो इसको विफल सरकार का मैंने संज्ञान दिया है, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है।